हेलो भाई, मैं उन बवार 1 अप्रैल आने वाला है भैया। 1-2 दिन बचे हुए हैं और 1 अप्रैल को सारी कंपनियां अपनी गाड़ियों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर अप्रैल में आप गाड़ी लेने जाओगे तो 3-5% का आपको हर गाड़ी की कंपनी मतलब हर कंपनी गाड़ी में आपको प्राइस हाइक देखने को मिलता है। इतना बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाता है। तो भाई इसी चीज को देखते हुए आज हम लेने के लिए जा रहे हैं डिलीवरी, क्योंकि भाई बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि हमने जैसे बुकिंग उन्होंने मार्च में करवाई है तो जब वो अप्रैल में गाड़ी लेंगे कभी बाद में लेंगे तो वही प्राइस अप्लीकेबल होगा जो उन्होंने बुकिंग के टाइम पे करवाया था। ये भाई कोई भी कंपनी नहीं करती है। प्राइस वो लगेगा जब आप डिलीवरी लोगे, तो इसलिए डिलीवरी भाई अप्रैल में पहले ही ले लो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि रोड टैक्स वगैरह उसी अकॉर्डिंग फिर आपका करता है। एक शोरूम प्राइस वो सब कंप्यूटर उसी हिसाब से उठाता है। तो आज हम भी भाई डिलीवरी लेने के लिए चल दिए हैं, जो जिसका भाइयों को सबसे ज्यादा इंतजार था अप्रैल से पहले। तो चलो भाई मेरे साथ और शोरूम वगैरह दिखाता हूँ और आप भी शॉक हो जाओगे कि यार ये क्या हुआ एकदम से, मतलब क्या था और क्या हो गया। तो बस चलिए मेरे साथ, अभी हमें भाई पलवल में और शोरूम जस्ट मिनट अवे है हमारे। तो भाई यस, आप बिल्कुल सही देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, भाई मैं यहाँ पे आया हूँ। ये है किया और पलवल का शोरूम है भाई ये। आप लोग भी कह रहे होगे भाई ये किया मतलब किया इसके उससे कभी निकलेगा नहीं क्या? भैया मैं भी क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं, मुझे इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। तो यार अपनी लड़ाई चढ़ा दूं यहां। यार ये गाड़ी बढ़िया लगे है ना ये भाई, मेरे फ्रेंड से मिलो आप, गाड़ी तगड़ी लगे है ये भाई, बैंकर आगे देखी भी है ना तने। चलो भैया लेके चलता हूँ बढ़िया से पड़े से शोरूम में। और वो कंपनी वाले सारे भाई अपना वेट कर रहे हैं कि आ जाओ भैया, गाड़ी रेडी खड़ी है आपकी। करा आगे इस ब्यूटी से नजर नहीं हटती यार। तो भाई चलते हैं शोरूम में। अब आप लोग सोच रहे होगे भाई कि किया के शोरूम में क्या करने है। भाई देखो किया के शोरूम में हमारे लेवल की सी तो कोई गाड़ी है नहीं। ये सेल्टोस फेल्टोस ये तो हमने चला चला छोड़ दी। इनकी 3 गाड़ियाँ हैं, कैरेंस हैं आपकी, सेल्टोस एक, सोनेट भी है अपना, सेल्टोस भी है, कैरेंस नहीं है बस एक। तो अब कैरेंस को कौन ले भाई? ये ऐसी MPV है, MUV जो भी आप समझना चाहें, इनको भाई इनको ड्राइविंग वाली फील नहीं है। इतना बड़ा परिवार हमारा है नहीं कि अभी इनकी ज़रूरत पड़े, बाद में वो देखेंगे। तो हमारे भाई हैं, मित्र हैं, ये नहीं ये वाले भाई है। सुनाओ भाई, ठीक ठाक हो जी? मजा आ रहा जिंदगी में? गांव से हो भाई? थोड़ा अपना पहले पलवल से ही भैया, पलवल से ही हो, घोड़ी गांव से? जी भाई, पीछे से घोड़ी के पलवल में ले। आपके गांव का नाम घोड़ी किसने रखा था भाई? क्यों रखा था? घोड़ा रख देते भाई, पता नहीं घोड़ी रख दिया मंदे टाइम में, बहुत मंदे टाइम का घोड़ी आ रखे। तो कौन सी गाड़ी ले रहे हो भैया? और भाई मेरे ख्याल से इसीलिए ले रहे हो आज क्योंकि रेट बढ़ जाएंगे फिर। जी जी, 1 अप्रैल से बढ़ जाए 3%। और भाई ये एक्सेसरी है जो कंपलसरी लेनी पड़ेगी, इन्होंने पूरी बिखेर दी टेबल पे। बताओ ये कौन कौन सी लगवानी है? तो भाई देखो कितनी गाड़ी डिलीवर हो रही है, 1, 2, 3 जस्ट क्यों प्राइस हाइक हो जाएगा। तो भाई क्रोम लगा रहे हैं यहाँ पे अपना, पूरा बढ़िया छक्का देंगे इस वाले में। कंपनी से लेते हैं, उसमें एक फ़ायदा तो ये मिल जाता है, जंग वंग नहीं लगता। भाई नमकीन बिस्कुट कहाँ रो गए हो? इसी के पल में भाई हमारी नेक्स्ट डिलीवरी है, इसके बाद हमारे नंबर है उसकी। भाई ये पीछे ढक चुकी है भाई की गाड़ी। भाई कैसे प्लान बन गया भाई किया के शोरूम में गाड़ी लेने का? क्या क्या सीन हुआ है? हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, बताओ जी। भाई प्लान ये हुआ था, पहले गया था मैं क्रेटा को देखने, तो फिर मतलब उस पर एक तो वेटिंग ज़्यादा बता रहे थे वो, और इससे वो थोड़ी महंगी भी थी। तो फिर पापा ने बोला कि मतलब एक बार किया के शोरूम पे भी जाइए, उसको देख के आइए। तो यहाँ पे मैंने पूछा ये बेस वेरिएंट था, फिर हमने सोचा निक्कू भाई अपने हैं ही, कि अपने निक्कू पे काम करा लेंगे, निक्कू कपलर टू कपलर। मैं यहाँ पे आया, गाड़ी पसंद आ गई, तो मैंने यहाँ पे ये बुकिंग करा के चला गया। अच्छा, तो क्या क्या कुछ मतलब कॉस्टिंग पड़ रही है भाई इसकी? भाई ये इन्होंने 93 दिए ऑन रोड, प्लस में ये बोल रहे थे कि 25,000 की एसेसरी देते हैं हम सबको, लेकिन फिर उनसे डिस्काउंट वगैरह करा के उन्होंने बोला 10,000 की तो आपको लेनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। मतलब कंपलसरी वाला सीन कर दिया? जी भाई, मैंने बहुत मतलब इनसे कोशिश की थी कि मत दो एसेसरी, हम निक्कू पे करा लेते हैं, मतलब बाहर करा लेंगे, लेकिन भैया ये नहीं माने। तो आपने किसी और डीलरशिप पे पूछा नहीं होगा? मतलब भैया और नहीं पूछा किसी? बस तो भाई
जो ये गलती करते हैं ना, अपने कंपटीशन बढ़ा देते हैं भैया वो इतने के दे रहे हो, या अपने आप ही वो एक्सेस्ट वगैरह सब कुछ डिलीट ही कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती कारोबार यही करता है भाई। अब भैया हो गई गलती, अब तो डिलीवरी दे ही दी है। वही तो भैया, जब मैं भी आया तो भैया इतना सारा एक्सेसरी का सामान पड़ा और कह रहे लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं भाई, जो क्रोम वगैरह होता है वो इनका ज़्यादा अच्छा रहता है, उस पर जंग वगैरह कभी लगता नहीं है। और गाड़ी रेडी हो रही है, और भाई कॉस्टिंग ये लगा लो, जो हमने तनिष वाली ली थी वो 1365 की पड़ी, और ये 1390, क्योंकि मतलब देख लो मंथ टू मंथ भी कैसे पैसे बढ़ जाते हैं। और कुछ ये भी था, 1 तारीख से वो बढ़ जाएंगे रेट 3%, और 1 तारीख से पहले ले लिए फिर तो भाई क्रेटा जितनी हो जाएगी, जैसे मैं बता रहा था ना, फिर तो ये महंगी हो जाएगी 50-60। तो अब तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पे है, और अभी तो भाई एक दिन और जिन भाई को लेनी है, 31 तारीख को, ये एंड टू एंड ले आना, सबसे बेस्ट तो वो रहेगा। खैर भाई को, भाई देखो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और कौन कौन सी गाड़ी फिलहाल रख रहे हो भाई? फिलहाल भाई अपने पास एक वरना है 2021 SX ऑप्शनल, अच्छा, एक वॉक्सवैगन एमवीओ टॉप मॉडल, उसका भी TDI। अच्छा, अब एक ही निकलवा रहे हो? एक ही। ओके ब्रो, डीजल लगा रहे हो मेरे ख्याल से? भाई ओनली डीजल लगा रहा हूं, पेट्रोल का पेट्रोल में कोई चक्कर ही नहीं है। क्यों भाई? अरे भाई मतलब वो पेट्रोल तो वो लेते हैं जब नौकरी वोकरी ड्यूटी ड्यूटी जाते हैं, हमको मजा लेना है इंजन का, मतलब पिकअप चाहिए, वो डीजल में ही है, वो डीजल में ही है, देख रहा हूं भाई। कई बार ऐसे लड़ाई हो जाती है, वहीं ला के टेक दी, फटो फट गो टायर फट गो, नई गाड़ी बिल्कुल टेम्प्रेरी चल ली गई थी भाई ये गाड़ी, और आज वो हो गया टायर फट गया, जिन क्या हुआ था इसका मालिक छो के यहाँ ले आया एकदम इसको देखियो कभी साथ या खड़े, और कल ली गाड़ी डिलीवर हुई, और आज ऐसे हो काम हो जाए कितना बुरा लगता है। देखो भाई ये फ़ायदा होता है नई गाड़ी लेने का, आ गए हैं शोरूम पे, लगा दी और अपने यही चेंज करके देंगे, चाहे टायर बदले चाहे पंचर लगाएं, बताओ भाई। सेवा तो तगड़ी कर रहे हैं, कहते टूटा नहीं ना दे रहे कुछ भी खाने पीने में। तो सेलिब्रेशन चल रही है, मुझे तो इन्हें प्यार आ भाई, नया टायर डलवा लिया देखना, ये तुझे खाना पड़ेगा। मैंने तो भाई ताजा कर चला रे, पर बोला मैं नया टायर बदल गो। ये है भाई सेल्टोस बेस मॉडल HTE, और सबसे मस्त चीज अब जो किया ने इसमें कर दी है भाई, जो मेरे एक बहुत बेस्टी फ्रेंड को बहुत ज्यादा हाइट करने वाली चीज है। ये देखो मैनुअल HTE है इसके अंदर, अब इन लोगों ने देखो भाई यहाँ पे क्लच देना स्टार्ट कर दिया है, और इसकी क्लच इतनी सॉफ्ट है हमारी वाली से, इतनी सॉफ्ट है हमारी वाली तो इतनी हार्ड हो गई है, बट भाई समय समय की बात है भाई, शेर भी सर्कस में नाचते देखे हैं भाई। देखो कहाँ ओनली IMT अवेलेबल थी, अब क्रेटा जब से आई ये कंपटीशन बढ़ गया है, तो उन लोगों ने भैया अपनी खाट उनने सोची भैया कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैनुअल देना स्टार्ट कर दो, IMT 5MT का सिस्टम छोड़ो, और थैला कितनी गंदी क्वालिटी का देने लग गई आजकल भाई। इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली छोड़, मेरा वाला बहुत प्रीमियम है भाई, उस टाइम पे बहुत अच्छा था। ये बेस मॉडल है भाई, मैंने बहुत बार आपको दिखा रखा है, इसमें कुछ डेक वेक नहीं आता है, बट इनकी एक मुझे चीज ये बहुत गलत लगी है, खामा का एक्सेसरी लो भाई, सर ये भाई बढ़ गए इनते, इस वजह से बेचारों ने ले ली एक्सेसरी, वरना भाई कोई जरूरत रहती नहीं है। और अब भी कुछ गुथरे कुछ तो हो रहा है कि भैया रेट फेट का कुछ भी, बट ओवरऑल इस शोरूम की सर्विस ना और बाकी शोरूम वगैरह से काफ़ी मच बेटर मेरे को तो लगती है। ये देखना भाई की एक की तो करेंस गई, और एक ये जा रही है, और एक ये किया जाएगी, और फीचर वीचर भी अच्छे हैं, मतलब इसमें टाइप सी दे दिया है, स्पीकर और डेक लगवाना होता है मेन, तो बाकी डिजिटल स्क्रीन है सारी की सारी, और यहाँ पे भैया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटो ऑन ऑफ ये सब भी देने लग गए हैं भाई। देख लो यार कपनी इतना पता वाट है, टायर में अगर पिंचर लगेंगे, चार पिंचर लग गए, एक क्लिक कर गो तो टायर ही चेंज हो। ओ भैया जो यू फीलिंग रहे ना, यू बेस्ट रहे बेस्ट। अरे भाई हल्की सी लिटिल लिटिल दिक्कत अब ऐसा आ गई, दिस फीलिंग इज द बेस्ट जब गाड़ी शोरूम से निकले ना भैया मैं भी बैठा ले छूटे भी ना
छुड़ाने से भी पेट्रोल तो छूटा है मेरी में लगा दी ना सर्विस करके पेट्रोल तो छूटो। जतिन भाई बहुत बहुत बधाई आपको नई गाड़ी की। भाई अभी पीछे आए मड फ्लैप लगवाने, उससे पहले भाई देखो गाड़ी में कुछ रूखा रूखा कमी लग रही है आपको भैया, कमी लग रही परफ्यूम की। तो भैया आपके लिए सबसे बेस्ट परफ्यूम मैं आपके लिए लाया हूँ इस खुशी के अवसर पे। ये इनवोल्व के परफ्यूम बेस्ट है भाई, इसको खोल के देखो एक बार। इसमें आता है कि हैंगिंग कार्ड। भाई कोई भी नई गाड़ी लो ना, चाहे कैरेंसो चाहे सोनेट हो चाहे ये कोई सा भी मॉडल हो, इस तरीके से भैया नई गाड़ी लेते हम तो सबसे पहले काम करते हैं, नहीं है चाहे पुरानी है, इनवोल्व का हैंगिंग कार्ड चाहिए चाहिए। बढ़िया फ्रेग्रेंस है ना, ये देखो आप दो स्प्रे करो, दो करने एक यहाँ पे एक यहाँ पे बन गई महक दना दन। दे भाई इसकी भी जरूरत नहीं है भाई, स्टीरियो स्पीकर की भी जी भाई इसमें इसी से महक से इतनी बेहतरीन बन जाती है। तो भैया आप भी जाकर भी खरीदिए involvedsensi.com पर, मजे लीजिए, चलो वर्कशॉप में। अच्छा उसमें एक्सेसरीज में क्या क्या इन्होंने जबरदस्ती चेप दिया? इन्होंने भैया जबरदस्ती एक तो मडफ्ले डोर वाइजर है और ये बाहर का क्रोम है और पीछे डिग्गी वाला क्रोम है। बस जी 10,000 में, 10,000 में भैया ये काम बिल्कुल बोल दिया जबरदस्ती है, गाड़ी लो मत लो गाड़ी तभी मिलेगी, पहले एसएसजी लगवाओ। ये फालतू की वो ये यार जब कंपेयर नहीं करते ना, बस एक यही बात होती है वरना और तो कुछ नहीं। चलो एक बार वर्कशॉप में अपना चल के ये फिटमेंट करा लेते हैं। एक मड फ्लैप इन पे लग ही नहीं रहा है, पता नहीं वो पेस से टाइट हो जाए क्या बोल रहे हैं पता नहीं यार। टायर खोल के करेंगे बिना जो वैसे ही कर दूंगा। और गाड़ी भाई 16 किलोमीटर चल रखी है मात्र। लो भाई नई गाड़ी पहले के दिन ही, पहले के दिन क्या अगले मिनट ही ऊपर क्रेन पर चढ़ चुकी है, लिफ्ट पे सॉरी। कभी सोचा था भाई नई गाड़ी का टायर खुल जाएगा लेते ही ले भाई व्हील कवर अलग ए टायर अलग, ऐसा मैं तो समझ ना आया और सब का लग गया, इस इधर ही क्यों ना लग पा रहा है मड फ्लैप, टायर खोल के लगेगा। अच्छा दोनों साइड के ऐसे ही लगे हैं, करोल बाग में तो नहीं लगा दें उन्हें, परफेक्शन ढूंढ रहे हैं ना लोग बाग। देख के पापा चला दी बुरी तरीके से। और हाँ भाई उसमें एक्सेसरी कॉस्ट में 3400 रुपये का इसका नीचे रबड़ पेंट भी हुआ है, मेरे को तो वो एकदम यूजलेस चीज़ लगती है, वेस्ट ऑफ मनी, बट ठीक है कुछ करवाना था तो करवा लेते हैं। वैसे ये भी अच्छे ही वो रहता चुनने का, ये है वो जो क्रोम बता रहे थे ना पीछे की साइड, ये वाला लिया है वो। तेल और डलवा लें ना, तेल तो कतई डीजल गलवा दो, रोक ली भाई। वैसे तो 5 लीटर डला है पर कह रहे हैं 3 लीटर जैसे ही गाड़ी स्टॉक यार्ड से ट्रक से उतरती है हम तभी डाल देते हैं, तो हम 2 लीटर और डालेंगे, तो सीसी में भर रहे हैं 2 लीटर की नाप के ले रहा के भाई ड्यू स्प्राइट की, उसमें से 2 लीटर भर देंगे। ए अंकल दो भी पूरी ना भरी है, दो भी ना भरी है पूरी, देखो कितना भर जाएगा पता, कितना भर जाएगा 2 लीटर कम से कम, ऊपर तक तो भरो, ऊपर तक 2 आवेगी मतलब जितनी मर्जी तुम्हारा, या भी मत भरो और कहां है तुम भाई, या भी मत भरो और कहां है गाड़ी तो मात्र 8,27,000 रुपए की है बस देखो, और यहाँ पे CST GST जन कहा लग के तब ये जाके 12,06,000 रुपए की बने बताओ। और इंश्योरेंस डिटेल्स में भाई 40,000 रुपए का इंश्योरेंस है इस गाड़ी का, जिसमें सब सारी चीजें कवर है, RTI वगैरह सारी चीज़ें, तो बढ़िया। और बजाज से किया वाले ही लिया भैया ना, तो भाई अब करवा लेते हैं टंकी की गाड़ी फुल, पहली बार ला में फुल करवाओगे तो गाड़ी की टंकी भाई फुल ही रहेगी सदा, है ना ऐसा रहे ना भाई, अपना हरियाणा में सस्ता है 2 रुपये, बस 5 दिन पहले बुकिंग करवाई गाड़ी की और आज डिलीवरी उठा ली। ओ भाई भाई ये डाउन पेमेंट में क्यों ना दिए ये रुपया भैया, जो लोन का करवाओ इनको ऐसी भैया, वो बताई दीजिए आपको चाचक सिविल चलवाइए। अच्छो पहली गाड़ी ली उनके नाम से, अच्छो ज्यादा सिविल स्कोर बन जा, अच्छा 4,000 कितने, अच्छा 4 है ओके भाई, पैसा बहुत तेरा पैसा बहुत मोटा हो भाई ओके। अब भाई इसमें सिस्टम लगेगा, स्पीकर डलेंगे इसमें, अब तो भाई वो वाला सिस्टम आ चुका है आफ्टर मार्केट पूरा, जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का रहता है ना, और उसकी जो फील आती है लुक आती है क्रेजी याद है, कहा लगा के दें कांग्रेचुलर देंगे भैया पोस्ट पे ही। अरे ठीक है कांग्रेचुलर घर वाले इन तक तो होनी चाहिए भाई ये। और भाई टंकी फुल करवाई है 1,000 किलोमीटर की रेंज देख रहे हो आप, मैनुअल की पावर देख रहे हो, मैनुअल की माइलेज। तो भाई बहुत बहुत बधाई फिर भाई को, 93,90 की ऑलमोस्ट 14 लाख की मानो, 14 लाख रुपए की पड़ी है गाड़ी, 14 लाख और का तो ना पता, तो जब कहा सुन रो तू जब 14 लाख रुपए की है बताओ भाई, अब बेस मॉडल आज की तारीख में
तो ठीक है भाई, इंजॉय करो, चिल करो, फन करो, इतनी बढ़िया माइलेज का मजा लो। वीडियो देखने के लिए आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई।